morning, students. Welcome to MCPS online classes. From today onwards, I teach you max. ठीक है? अब देखिए आज से मैं आपको max पढ़ाऊंगी. आज अपन start करेंगे exercise 3.4 part 1. Find the common factor. इससे पहले एक छोटा सा recap कर देते हैं. Last video में आपने देखा होगा divisibility के rules. यानी divisibility के rules आपको बताए गए होंगे कि 2 से divisibility का rules क्या है? कि अगर किसी भी digit के पीछे 0, 2, 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो 2 से divisible है. 3 से आपको divisible rule बताया गया होगा कि आपको जो digit दी गई है, अगर आप उन numbers को add करते हैं, तो क्या हो जाएगा वो? अगर 3 की table में आते हैं, तो वो 3 से divisible है. 6 से, यानी जो 2 और 3 से divisible होगी digit, वो sure है कि 6 से भी divisible होगी. 9 से divisibility का rules था आपका कि आप अगर उस digit के numbers को add करके देखते हैं, अगर वो add करने पे जो आपको digit मिलेगी वो 9 की table में अगर आती है तो वो पूरी digit 9 से divisible होगी. 10 से आपका divisibility का rules ये होता है कि किसी भी digit के पीछे अगर 0 है तो sure है कि वो digit 10 से divisible होगी. ओके अब देखिए अपन बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स की. कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? यानी ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं ये किन-किन सेम नंबर्स की टेबल में आते हैं. तो देखिए अपन क्या लिखते हैं, फैक्टर्स ऑफ 20. यानी आपको बताना है कि 20 किस-किस की टेबल में, 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में नहीं आएगा, 4 की टेबल में आएगा, 5 की टेबल में आएगा, 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8, 9, 10 की टेबल में आएगा और फिर वापस 20 की टेबल में आएगा. ओके इसी तरह से अपन फाइंड आउट करेंगे कि फैक्टर्स ऑफ 28 किस-किस की टेबल में आता है. 1 की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में यस, 4 की टेबल में भी आएगा, 5 की टेबल में नहीं आएगा, 6 में नहीं, 7 में नहीं, 7 में सॉरी आएगा, 7 की टेबल में, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं, 10 में नहीं, 11, 12, 13, next 14 की टेबल में आएगा और next 28 की टेबल में आएगा. ओके अब आपको बताना है कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर क्या होते हैं कि दोनों सेम किस-किस की टेबल में आएंगे. देखो ये 1, ये भी 1, this is 2, then 4, बस यानी इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1, 2 and 4. यानी आपको अगर कॉमन फैक्टर पूछे तो आप क्या लिखेंगे, पहले आप इनके फैक्टर्स पता करेंगे कि ये किस-किस की टेबल में आते हैं. फिर आपको पूछा है कि इनके कॉमन फैक्टर, आपने बताया कि 1 तो ऑलमोस्ट सभी का कॉमन फैक्टर होगा, नेक्स्ट 2 भी है, 4 भी है. अब देखिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो आप इनको यहीं पे स्टॉप कर देंगे. ओके अब देखिए एक और क्वेश्चंस अपन करते हैं तो कैसे करेंगे. देखिए फैक्टर्स ऑफ किसके 15 की, किसकी टेबल में आता है, 1 की टेबल में, पीछे 5 है यानी कि 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में आएगा और 5 की टेबल में आएगा और सीधा आएगा 15 की टेबल में. ओके फैक्टर्स ऑफ 25 किसकी टेबल में आएगा, 1, 5 और 25. ठीक है आपको पूछा है कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स आर इज इक्वल टू, देखिए क्या है, एक तो 1 है इसमें, 3 इसमें है बट इसमें नहीं है तो नहीं होगा और नेक्स्ट है अपना 5. यानी इनका कॉमन फैक्टर होगा 1 और 5. ओके यानी इनका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 और 5. इसी तरह से देखिए अब आपको पूछा है 3 नंबर्स दे सके, इनके कॉमन फैक्टर निकालें तो अपन कैसे निकालेंगे. पहले फैक्टर्स ऑफ 4 इज इक्वल टू, देन फैक्टर्स ऑफ 8, then factors of 12. ओके 1 में आएगा, 2 में आएगा and 4 में, 1, 2, 4 and 8. ओके 1,
टू, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री में भी आएगा, फोर में भी आएगा, सिक्स में भी आएगा और ट्वेल्व में भी आएगा. अब आपको पूछा है कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, वन हो गया क्योंकि वन तीनों में है. नेक्स्ट टू हो गया क्योंकि टू भी तीनों में है. नेक्स्ट हो गया आपका फोर, यानी इन तीनों के कॉमन फैक्टर है वो क्या है, वन टू एंड फोर. ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल्स अपन और करते हैं. तो अपन क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ फाइव, फैक्टर्स ऑफ फिफ्टीन, फैक्टर्स ऑफ 25. ओके, फाइव के फैक्टर क्या होंगे, वन और फाइव, फिफ्टीन के वन थ्री फाइव एंड फिफ्टीन, ट्वेंटी फाइव के वन फाइव और 25. फिर आपको क्या पूछा है, कॉमन फैक्टर, बिल्कुल सिंपल है, क्या आ जाएगा, वन एंड फाइव, दिस इज कॉमन फैक्टर. ओके, क्या करना आपको, कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ये करना है कि आपको ऐसे लिखना है फैक्टर्स ऑफ, और आपको बताना है कि वो जो नंबर आपको गिवन है वो किस किस की टेबल में आता है. आप लिखेंगे जितने भी नंबर दे रखे हैं, चाहे टू नंबर दे रखे हैं, चाहे थ्री नंबर दे रखे हैं, फिर आप देखेंगे कि इसमें कॉमन नंबर क्या आ रहा है, वही आपका आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल का मतलब यह है आपको सिक्स के मल्टीपल लिखने हैं, एट के मल्टीपल्स लिखने हैं. ओके, अब आपको क्या करना है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, थ्री कॉमन यानी फर्स्ट थ्री कॉमन मल्टीपल निकालना है. तो सिक्स के क्या हो जाएंगे, मल्टीपल ऑफ सिक्स, मल्टीपल ऑफ सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स की टेबल लिखनी है, ट्वेल्व, एटीन, ट्वेंटी फोर, थर्टी, थर्टी सिक्स, फोर्टी टू, फोर्टी एट, फिफ्टी फोर, सिक्सटी. ओके, अब मल्टीपल ऑफ एट, ये सिक्स की टेबल हो गई, ये एट की टेबल हो गई. अब देखिए कि आपको इनमें कॉमन फैक्टेबल थ्री फर्स्ट कॉमन फैक्टेबल मिलते हैं कि नहीं. अब देखिए फर्स्ट है 24, है ना, 24 आपको आ रहा है, फिर आपको आ रहा है 48. ठीक है, फिर देखिए अब आपको इसमें कॉमन नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, 66, फिर 72, ये आपका थर्ड कॉमन फैक्टेबल था. आप क्या आंसर लिखेंगे, जरूरी नहीं है कि टेंस तक ही आप टेबल लिखेंगे, अगर आपको कॉमन मल्टीपल नहीं मिलते हैं तो आप उस टेबल को आगे बढ़ाएंगे, थ्री कॉमन मल्टीपल ऑफ सिक्स एंड एट आर, क्या आ जाएगा, फर्स्ट आपका 24, सेकेंड आपका आएगा 48 और थर्ड आपका आएगा 72. ये है आपके कॉमन मल्टीपल. ओके, आप देखिए लास्ट क्वेश्चन है अपने इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम नंबर. और देखिए सबसे पहले आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, को प्राइम नंबर होते क्या है. को प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि जिनमें सिर्फ वन कॉमन होता है, यानी जब इनका कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर्स अपन फाइंड आउट करेंगे तो ओनली क्या आएगा कॉमन इनमें, वन. तो वो क्या हो जाएंगे, अगर इनके खाली वन ही आता है कॉमन फैक्टर तो ये को प्राइम नंबर है, अदरवाइज नहीं है. तो अपन क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल टू वन, टू, थ्री, फोर की टेबल में नहीं, फाइव की नहीं, सिक्स, सेवन नहीं, एट नहीं, नाइन एंड 18. नेक्स्ट आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 35, वन में आएंगे, फाइव में आएंगे, सेवन में आएंगे और 35 में आएंगे. ओके, अब देखिए अगर इनमें कॉमन फैक्टर अगर अपन निकालते हैं, ठीक है, तो कॉमन फैक्टर आपको इसमें क्या दिख रहा है, वन. जिसका कॉमन फैक्टर ओनली वन है
वो को प्राइम नंबर्स हैं. यस, आप इसमें किसमें आंसर देंगे? दीज नंबर आर को प्राइम नंबर. यस, दीज नंबर आर को प्राइम नंबर. ओके, क्यों है को प्राइम नंबर? क्योंकि सिर्फ इनका फैक्टर वन आ रहा है. ओके, इस तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन. फैक्टर्स ऑफ 17 इज इक्वल टू 1 और 17, क्योंकि 17 किसी के टेबल में नहीं आते. अब आप क्या लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 68 1 की टेबल में आएंगे, 2 की टेबल में आएंगे, 4 की टेबल में आएंगे, देन 17 की टेबल में आएंगे, देन 34 की टेबल में आएंगे, देन 68 की टेबल में आएंगे. ओके, यानी कि इसमें कॉमन फैक्टर आपको क्या मिल रहा है? कॉमन फैक्टर से आपका 1 एंड 17 ऑल्सो, यानी इसमें 2 कॉमन फैक्टर है. तो आप लिखेंगे नो, दीज नंबर्स आर नॉट को प्राइम नंबर. क्यों नहीं है ये नंबर को प्राइम नंबर? क्योंकि इनमें जो है वो कॉमन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, 1 और 17, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है. यहाँ आपको ओनली 1 मिल रहा है, इसलिए ये कॉमन को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर्स हैं. आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे होम, स्टे सेफ. वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.